अभी मेरे फ्रेंड समीक्षा ने बताया कुछ कंपोनेंट कुछ टॉपिक्स के बारे में जो हमने केवीके में सीखा था, मैं उसके आगे बताना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले ये बताना चाहूंगी कि केवीके में हमारा जाने का मोटिव क्या था, केवीके में हम क्यों गए। जैसा कि कई सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि बुकिश नॉलेज से हटकर टीचर्स जितने भी प्रोफेसर हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से हमें नॉलेज मिली और उस नॉलेज को हमें इम्प्लीमेंट करना था विलेजेस में ताकि फार्मर्स से भी हम कुछ सीख सकें और उनकी हेल्प कर सकें। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारी एक्टिविटीज थी। ये सबसे पहला हमारा ग्रुप है, ये नीचे वाला हमारा ग्रुप है। ढेर सारी एक्टिविटीज हमने की थी केवीके में, बहुत सारी चीजें सीखा। सबसे पहले मैं कुछ ही टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगी क्योंकि पूरा टोटल 54 टॉपिक डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूंगी लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट के बारे में हमने सीखा था। वहां पर डॉक्टर भरत प्रकाश सर उन्होंने हमें लाइफ स्टॉक के बारे में बताया। हालांकि यहाँ पोल्ट्री बर्ड्स भी मैंने इंक्लूड कर दिया है लेकिन मैं मेन फोकस करूंगी कैटल्स पे। जैसा कि हमने विजिट किया था अपने केवीके में वहाँ ढेर सारे एनिमल्स प्रेजेंट थे। वहीं पर एक यूनिट थी डेयरी, हमने वहाँ को विजिट किया था। वो किसके गाइडेंस में, वहाँ मिस्टर प्रत्यूष सिंह थे उनके गाइडेंस में हमने वहाँ विजिट किया और हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ उन्होंने काउस पाल के रखे हुए थे, मतलब उसका अच्छे से वो मैनेजमेंट कर रहे थे। उस फार्म का नाम था मदन मोहन सिन्हा डेयरी फार्म। उसमें डिफरेंट जैसे कि काउस में होलिस्टन फ्रेशियन वैरायटी थी ब्रीड, हाँ होलिस्टन फ्रेशियन ब्रीड की गाय थी और उसी की क्रॉस ब्रीड भी प्रेजेंट थी वहां पर। देखिए यहाँ पर हम जब डेयरी विजिट करने गए थे तो यही है मिस्टर प्रत्यूष सिंह जिन्होंने हमें डेयरी के बारे में काफी अच्छी अच्छी चीजें बताई कि एक शेड में 13 गाय रखी जा रही थी और उनके लिए अलग से ट्रॉल रखा जा रहा था जिसमें उनको खाने पीने की व्यवस्था थी और बिल्कुल अलग जगह पर वहीं पर उनके काफ्स के लिए भी व्यवस्था की गई थी। उनके लिए थोड़ा छोटा ट्रॉल था और उसमें उनके अलग से खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। अब उसके आगे हम चलेंगे, यही वो फॉर्म है और इसके पीछे आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्राइंडर रखा हुआ है। ग्राइंडर का यूज ये था कि ये हाल ही में कुछ सालों से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है लेकिन जब इसका इस्तेमाल किया जा रहा था तो इसका ये यूज था कि जो भी गाय के लिए जो भी खाना जो फीड होता है उसको अच्छे से ये मिक्स करके रख दे रहा था, मतलब मिक्स कर दे रहा था जिससे कि एक अच्छे पैरामीटर एक अच्छे रेशियो में उन्हें खाना खाने को मिल जाता था, एक बैलेंस डाइट जिसे हम कह सकते हैं। तो ये था उसका यूज, यही है होलिस्टिन फ्रेशियन ब्रीड। अब उसके बाद सर से ही हमने गोट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। गोट में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरे 34 ब्रीड्स में से 4 ब्रीड्स हमारे गाजीपुर में भी पाया जाता है, जैसे कि ये जमनापुरी ब्रीड, ये ब्लैक बंगाल, सिरोही, बारबरी, ये ब्रीड्स हमारे गाजीपुर में भी पाई जाती हैं। और सबसे जरूरी चीज क्या है कि हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो गोट पालते तो हैं लेकिन वो मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं कर पाते। ये पिक्चर उतनी अच्छी मुझे मिली नहीं इसलिए मैं लगा नहीं पाई लेकिन मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगी कि जैसे जो गोट का फार्म होता है उसका अगर मैनेजमेंट करेंगे हमारे किसान तो उससे मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा होगा और उनको इनकम भी अच्छी मिलेगी। तो जैसे कि उसके लिए उन्हें ध्यान देना होगा साइट का कि गोट फार्म मैनेजमेंट करने के लिए साइट कौन सी होनी चाहिए, उसके अंदर इनपुट्स रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कि गोट का जो फार्म होता है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में होता है जिससे कि विंड से बचा जा सके और उसमें काफी इनपुट्स होने चाहिए जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था ताकि पानी का मैनेजमेंट हो सके और खाने पीने का उनके यूटेंसिल्स वगैरह ये सारी चीजें, साथ ही में न्यू कास्ट जो किड्स होते हैं बकरी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए अलग फ्रेश एरिया प्रोवाइड कराया जाता है। फिर उसके बाद हमने फार्म मशीनरी एंड इक्विपमेंट के बारे में भी समझा था। इसे समझने का क्या कि हमें क्या जरूरत थी, इसे समझने की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ी कि जो हमारे फार्मर्स थे वो जनरली बड़े बड़े फार्मर्स भी अपने खेतों में मशीन का यूज नहीं करते। बहुत सारे फार्मर्स से मैं मिली जो कि खेतों में मशीन का यूज नहीं कर रहे थे। तो जो हमने यहाँ पर सीखा डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा सर ने हमें सिखाया उसके थ्रू हमने सीखा कि कुछ मशीन की मदद से
सकते हैं, उसकी जगह आप रोटावेटर भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉस्ट आता है लेकिन इससे बाद में प्रॉफिट होगा, उनके बारे में हमने बताया। उसके लिए वो क्रॉप लोन या फिर क्रॉप क्रेडिट या इन्वेस्टमेंट क्रेडिट ले सकते थे। हाँ, कुछ ये भी इक्विपमेंट है, उसके सबसे इम्पोर्टेंट वो है सील प्रोसेसिंग। हालांकि ये वर्किंग नहीं है लेकिन हमने इसके पूरे स्ट्रक्चर को देखा और समझा था। हाँ, उसके बाद फिर एक और चीज हमने समझी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे फार्मर्स के लिए। जनरली क्या होता है कि हम हमारे यहाँ के जो फार्मर्स होते हैं वो अपने गायों को बांध करके रखते हैं, अपने गायों को ग्रेस करने नहीं देते। उसका ये भी मजबूरी है इसलिए कि अगर उनकी गाय को छोड़ दिया जाए तो कई लोग चुरा कर लेकर भाग जाते हैं। मैंने खुद ऐसा देखा है कि चुरा कर भाग जाता है तो बहुत नुकसान फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपनी गायों को बांध कर रखते हैं। और उससे क्या होता है, जब वो ग्रेस नहीं कर पाती है तो उन्हें कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। और कुछ गरीब फार्मर्स उन्हें बैलेंस रेशन नहीं दे पाते, उसकी वजह से कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है।